यूक्रेन के मसले को लेकर रूस ने अपने सहयोगी बेलारूस के साथ मिलकर एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। यूक्रेन को रूस के हमले से बचाने की कोशिश में जुटे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तो बढ़ा ही दी है, साथ ही अमेरिका को रूस के एक खतरनाक हथियार की काट के लिए अब जापान का भी साथ मिल गया है। वो खतरनाक हथियार है नेचुरल गैस। इस पूरे मसले पर जापान की सरकार ने अभी तक न तो अपने सैनिक यूरोप भेजे हैं और न ही यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजी है, लेकिन जापान ने अब अमेरिका के साथ ही देश होने का फर्ज निभाते हुए उसके सहयोगी यूरोपीय देशों को एक ऐसी मदद भेजना शुरू कर दिया है जो युद्ध के हालात में सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा मसला है जो भारत को भी परेशानी में डाल सकता है और इसकी वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका को डर है कि अगर यूरोप में जंग छिड़ती है तो रूस यूरोप को गैस की सप्लाई रोक सकता है। यूरोप में 40% गैस की सप्लाई रूस से ही होती है और खास तौर से जर्मनी तो काफी ज्यादा रूस की गैस पर ही निर्भर है। यही वजह है कि अब तक जर्मनी इस मसले पर खुलकर रूस के खिलाफ नहीं बोल रहा है। पुतिन के उस नेचुरल गैस वाले हथियार से निपटने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके कामयाब होने पर यूरोप को रूस की गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्लान के तहत अब जापान ने ऐलान किया है कि वो अपने देश की सरप्लस गैस यूरोप भेजेगा। जापान के व्यापार मंत्री ने ऐलान किया है कि जापान ने अपनी सरप्लस गैस यूरोप भेजना शुरू कर दिया है और इस महीने उसकी पहली खेप यूरोप पहुंच जाएगी और ये सप्लाई अगले महीने भी जारी रहेगी। यानी अगर जंग होती है तो जापान भी अपने दोस्त अमेरिका के साथ इस जंग का हिस्सा बनेगा, भले ही उसके सैनिक इस जंग में शामिल ना हों। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ऐसी मदद जापान ही नहीं बल्कि चीन, साउथ कोरिया और भारत से भी मांगी है। चीन और रूस की यारी को देखते हुए अमेरिका को जिनपिंग से मदद की उम्मीद कम ही होगी, लेकिन अमेरिका की ये डिमांड भारत को परेशानी में डाल सकती है क्योंकि भारत की रूस के साथ दोस्ती जग जाहिर है और इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की मीटिंग में एब्सेंट रहकर भारत ने ये जाहिर भी कर दिया है। ऐसे में अमेरिका की डिमांड को पूरा करना भारत के लिए बेहद परेशानी भरा हो सकता है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।